जब रूह निकल जाएगी ये बदन तेरा बेकार हो जाएगा। इस बदन ने कब्र में जाना है, मैं अभी भी रास्ते में लैया से पहले कब्रिस्तान गिनता आ रहा था और हर कब्रिस्तान वाले को पढ़ पढ़ के बकताया। मैंने कहा शायद आप आएंगे, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं जिधर से गुजरू जिंदा नजर आए सलाम करो, कब्रिस्तान नजर आए सलाम भी करता जाओ, पढ़ पढ़ के उनको कुछ सारे जवाब भी करता जाओ, ताकि बेचारे बेबस पड़िए, आजिज पड़िए, मोहताज पड़िए। कब्र में सोया इंसान ऐसा होता है जैसे पानी के दरिया के पानी के बीच में हमर में बंदा डूब रहा हो और ऊपर निकल आए, आस लगा के शायद कोई हार लेके बचा लेगा। हमने दुआ कर दी और अपने कबूल फरमा लिए, तू किसी की दुआ करेगा कल तेरी कब्र पे कोई आके दुआ जरूर करेगा। फरमाया ये तो मौत है, किसी को नहीं छोड़ा। नूह अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने कहा कि आपको इतनी बड़ी उम्र में भी घर नहीं बनाया, मुझे तो मेरे रब ने बता रखा है कि अन करीब एक जमाना आएगा उस कौम की, उस इलाके की और उस वक्त के लोगों की उम्र 100 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो तो ऐसे घर बनाएंगे जैसे हजारों साल दुनिया में रहना हो। बोले इस्लाम ने फरमाया इज़राइल मेरा रब मुझे बता देते कि तेरी उम्र 100 साल है, रब्बे काबा की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस रब की कसम है मैं तो सर सजदे से ना उठाता, 100 साल भी भला बंदे की कोई उम्र है। और हमारी उम्र बाबाई ने 60 हो सकी, आपका इस्लाम का फरमान है कि मेरी उम्र की उम्र 60-70 के दरमियान खत्म है। ज्यादा मिल जाए तो शुक्र अदा करें, हमें वो उम्र चाहिए नहीं जिसके अंदर हम रब के नाम फरमान हो जाए, जिससे हमारी नमाजें चली जाए, अल्लाह का जिक्र छूट जाए, रब के कुरान की तिलावत छूट जाए, जबान नाशुक्री हो जाए, आंख बंदगी हो जाए। हमें ऐसी उम्र की जरूरत नहीं है, रब वहां तक उम्र दे जहां तक रब राजी। शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल गफूर कासमी ने फरमाया उम्र कद 55 साल बुखारी शरीफ पढ़ा गया सजावल में, जाकर देखो उनका इदारा तो देखो, हजारों की तादाद में उनके शागिर्द जिनके वक्त उस वक्त का उन जैसा आलम न हिंदुस्तान में था न पाकिस्तान। आखिरी अय्याम में सिंध का दौरा था मेरा, वहां तलवार के अंदर तशरीफ लाए, कई शागिर्द भी उलमा की जमात साथ थी, मुझे मिले मेरे हाथों को चुमा, होंठों को मेरे चूसने लग गए, होंठों को चूसने लग गए मेरे, चूसने के बाद बैठ गए, बैठे भी नहीं खड़े खड़े, मुझे कहते हैं मैं अपने मकसद के लिए आया हूँ, मकसद मेरा ये है कि आप यही दुआ कर दे कि रब मेरा खात्मा ईमान में कर दे, और अगर आप ये मुझे बता देते हैं कि मेरा रब राजी है मेरे से तो मैं यही मरने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बता दे। मेरे दुआ मांगी, बैठ गए और फिर मैंने कहा हजरत जी ये सबक आपने मुझे दिया है, जब तक जिंदगी है रोज दुआ मांगो और मौला हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक तू हमसे राजी न हो। इस सबक है बड़ों के सबक होते हैं। मेरे वालिद साहब को बिल भी रहमतुल्लाह ने बुलाया, फरमाया कि तू मेरा मुर्शिद दादा है, मेरे लिए दुआ के हाथ उठा, मैं उम्रे पे तैयार हूँ, हज पे तैयार हूँ, न मैं किसी के ऊपर बोझ बनू न कोई मेरे ऊपर बोझ बने। मेरे वालिद साहब ने फरमाया हजरत ये सबक सारी जिंदगी याद रखूंगा, न किसी को अपने ऊपर बोझ बनाऊंगा न खुद किसी के ऊपर बोझ बनूंगा। समझने की बातें होती है। तो ये मौत है जिसने अंबिया को मोहलत दी थी, मैं और आप क्या चीज है, ये दुनिया की लिया आमिर से क्या चीज था, इसने तो किसी को रब ने मोहलत मौत ने दी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
इजराइल अलैहिस्सलाम पलट के रब से जाके इल्तजा कर दिया कि खलील फरमाते हैं, दोस्त दोस्तों क्यों मारना चाहता है, कैसी दोस्ती है? फरमाया मेरे खलील को जाके बता दो इजराइल, दोस्त दोस्त को मारना नहीं चाहता बल्कि दोस्त दोस्त को मिलना चाहता है। अल-मौत जसरुन यूसिल अल-हबीब इला अल-हबीब, मौत एक जरिया है दोस्त दोस्त से मिलाने वाला। अल-मौत तुहफतुल मोमिन, मोमिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा ही मौत है। याकूब अलैहिस्सलाम को जिस नौजवान ने कुत्ता ला के दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके बिना ये बहाल हो गई, जो कमजोर हो गई थी, खत्म नहीं हुई थी, कमजोर हो गई थी, बहाल हो गई। खुशी आ गई, बेटे की खबर मिल गई, जुदाई 40 साल की जुदाई खत्म हो गई, बेटे की बिशारत मिल गई, खुश हो गए। फरमाया नौजवान मेरा दिल चाहता है तुझे तोहफा दूं, हदीया दूं, क्या दूं? उसने देखा पैगंबर के बाद कुछ